माय यूट्यूब चैनल आई सिंक क्वीन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड पिज्ज़ा। मैं डेली बनाती हूँ तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ब्रेड पिज्ज़ा कैसे बनाती हूँ। तो और आप लोग सोच रहे होगे आयशी तुम अपना ब्लॉग बहुत कम डालती हो, क्योंकि मेरे फ़ोन का कैमरा बहुत ख़राब हो रखा है। मतलब जिस फ़ोन से मैं शूट करती थी वो दीदी का फ़ोन था, और दीदी अपना फ़ोन ले गई अपने दिल्ली, और ये फ़ोन जो मेरा है उसका बैक कैमरा बहुत ही ख़राब है, वो बेकार ही लगता है। ये कैमरा थोड़ा सा आगे का ठीक ठाक है, तो मैं उससे शूट कर रही हूँ अपने मोबाइल से। ये मेरी फ़र्स्ट ब्लॉग है जो मैं अपने मोबाइल से शूट कर रही हूँ, तो मैं अपने पापा के मोबाइल से या फिर अपनी दीदी के मोबाइल से करती हूँ, मैं अपने फ़ोन से नहीं शूट करती। जो सामान ले आई हूँ ये सब पिज़्ज़ा सॉसेज हैं, और ये भी है पिज़्ज़ा। मतलब पिज़्ज़ा में तीनों चीज़ों में डालती हूँ, और ये वो नहीं चक्कू कहाँ गया, मतलब मैं सिर्फ दो पिज़्ज़ा बनाती हूँ, एक मेरा भाई का। तो अब पिज़्ज़ा बनाने के लिए मुझे दो ब्रेड लेनी होती है। अगर पिज़्ज़ा बनाओ वो वाला पिज़्ज़ा, तो उसके लिए बेस चाहिए होता है, और बेस बनाओ उसमें बहुत टाइम लगता है, तो मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना ज़्यादा मुझे पसंद है। तो पहले मैं पिज़्ज़ा तो वो लगाती हूँ सॉस जो पिज़्ज़ा के ऊपर लगती है, तो हम उसको पूरे ब्रेड में लगा लेंगे। आप लोग सोचते होंगे यार आयशी बहुत कम ब्लॉग डालती है, और सही में बहुत कम डाल रही हूँ। इस टाइम मेरे पास टाइम ही नहीं रहता, मैं क्या करती रहती हूँ, मैं दिन भर ना मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं चोरसों खाई बस। मैं आज मेरे घर में खाना नहीं बना है, क्योंकि मम्मा ने बोला जो आपको मन हो वो बना सकते हो, तो मैंने कहा मैं पहले पिज़्ज़ा बनाऊंगी उसके बाद में खिचड़ी बनाऊंगी। मुझे खाना बनाना नहीं आता है, पर जैसा भी आता है मैं बना लेती थोड़ा बहुत। मैं ऐसा बनाती कि मैं खा सकूँ और मेरा भाई खा सके। कौन है पीछे? आ गए भैया साहब, मेरे भैया हैं, छोटे भैया, बड़े भैया मत समझना। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भैया ही बोलूँ। ये भी एक सॉस है, ये आपको मिल जाएगी अगर किसी भी दुकान पे जाओ, ज़्यादातर तो बीबीडी पे मिलती है, मतलब मेरी दुकान के पास। मेरे मैं ही लेके आई हूँ, मेरी दीदी लेके आई हैं, और ये मैं सॉसेस लगाती हूँ, भर भर के लगाती हूँ। ये दूसरी सॉस लगा रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी लग जाओ। मेरा बैक कैमरा बहुत खराब है, मैं क्या करूँ यार। मेरे पास मेरा फ़ोन मैं नया नहीं लेना चाहती, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, कोई मुझे नया फ़ोन गिफ्ट कर दे यार। बस 5-10 मिनट तो अभी बनाओगे, वो भी दिखाओगी? हाँ बस लगा ली है इस पे पिज़्ज़ा पे, ये देखो दिख रही है। और अब मैं शिमला मिर्च काटूंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत, मुझे ना पिज़्ज़ा में सबसे ज़्यादा शिमला मिर्च पसंद है। मतलब अनियन पिज़्ज़ा और बीज नहीं डालनी होती है, उसको मैं पूरा खोल लेती हूँ। फिश अब डाल चुकी है, ये देखो दिख रही है, यम्मी यम्मी पिज़्ज़ा बन रहा है। और अब मैं
ये अमूल की है चीज़, और ये मैं डालूँगी एक, और ये बहुत टाइट हो रखी है क्योंकि मम्मी ने इसको फ्रीज़र में लगा दिया था, फ्रीज़र की वजह से ये इतनी थिक हो गई है कि टूट भी नहीं रही है। तो हम अब फ्राई पैन को लेंगे, पर बाद में पहले हमें चिंता से और हम गैस में और ये जो होता है ना, अगर आपका थिक हो जाए तो उसको घिसना मत करिए, पहले इसको थोड़ा सा ऐसे रखिए। मैं इसको थोड़ा पिघला लूँ कि बहुत ज़्यादा थिक हो गई है। बस थोड़ा सा हो गया, मैं तो सीधे छूँगी नहीं, मैं जल जाऊँगी। और ये आपके पास तो होगा ना अदरक घिसने वाला, इसी से मैं घिसती हूँ अपनी चीज़ को, और ये ठंडी हो गई है और अब ये मुलायम हो गई है थोड़ी सी। तो अब मैं इसको खोल रही हूँ चीज़ को। मेरे एक चीज़ में दो पिज्ज़ा हो जाते हैं, अगर आपको खूब ज़्यादा चीज़ वाला चाहिए पिज़्ज़ा तो आप इसमें एक एक पूरा डाल सकते हो, पर मैं एक ही डालूंगा क्योंकि मेरे को एक चीज का ही चाहिए। झूठ क्यों बोल रहे कि एक दो बजे फोन दिया, एक बजे फोन दिया था, दो बज गया। वैसे तावे पे रखना है, भाई वो शीशे वाला वो कहाँ गया, शीशे वाला वो कहाँ गया, ये रहा। आपको ये इस टाइप का चाहिए होगा, मेरे पास है शीशे वाला जिससे ये स्टीम हो जाएगा, इसकी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। कटोरी फेंक देना, फेंक दें कटोरी, हाँ फेंक दो उसमें से वो जो निकाल, फेंक दें। तुम मुझे पागल बना रहे हो ना। छोटी तुम खाने से पानी पीती हो? नहीं, खाने के साथ हाँ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं खाने के साथ। भाई हम तो वाटर पीते हैं। वाटर, नॉर्मल वाटर कि कूल वाटर, पता नहीं कोई वाटर होता है। जल्दी मेरा बना, मैं खा, दोनों एक साथ बन जाते हैं। बटर का क्या किया वाला है? अमूल का बटर है, अमूल क्वालिटी खानी चाहिए। क्या वाला है भाई यार, नहीं बाप रे। ये मेरा अब इस पे मैंने डाल दिया है और अब मैं इसको इससे ढक दूंगी। बताओ घर में झाड़ू लगाती हो? अरे चुप रहो, पहले तो लगाती नहीं, लगाती। इसको मैंने अब ढक दिया, ये स्टीम होता रहेगा थोड़ी देर में। हाँ क्या बोल रहे हैं? घर में झाड़ू लगाती हो? घर में हम झाड़ू नहीं लगाते, पोछा लगाते। बताओ पोछा लगाते हो? बर्तन मांजती हो? नहीं। क्यों? बर्तन कौन मांजता है? रात को मांजती हो? नहीं तो मैं बर्तन वर्तन कुछ नहीं मांजती, मैं बहुत अमीर बाप की लड़की हूँ ना, तो मैं घर में बैठ के तभी तो पिज्जा बना रही हो। अमीर बाप की लड़की मैं पिज्जा खरीद के लेके आती हूँ, ये तो बस मैंने दिखा रही हूँ।
कहता मुंह से अमीर हूँ, दिल से बहुत गरीब हूँ मैं। बस 5-6 मिनट में रुको, मेरा पिज्जा रेडी। नहीं, बाल कटवाने। और फिर मैं फोड़ डालो, मम्मी तुम्हें फोड़ डालेंगी। फिर मैं ऑरिगिनो डालूंगी, चिली फ्लेक्स डालूंगी, ऑरिगिनो, चिली फ्लेक्स। फाइन यार, इसके अंदर ऐसे छींटे मारो। अभी मार यार, थोड़ा वो लेके आओ, पानी लाओ। बूम बाम। ये लो ले यार, लाओ यार, कुछ भी लाओ। आई नीड अ सचन, थोड़ा और। आप अगर इसे चीज़ फुल मेल्ट ना हो तो हल्का हल्का पानी डालना चाहिए, किनारे किनारे बस, स्टीम जिससे ये भाप निकलेगी, भाप से स्टीम, मतलब चीज़ मेल्ट होगी, और चीज़ मेल्ट होगी तो वो मुँह में जाएगी, मुँह में जाने के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, मतलब मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ दिल से भी। नहीं दिल से अमीर, बस गरीब बहुत है। ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था, मेरी दीदी ने ऑर्डर किया था, और ये मैं उठा लाई हूँ चोरी करके दिल्ली से। मैंने कहा मैं पिज्ज़ा खाऊंगी। चीज़ मेल्ट हो रही है धीरे धीरे, और हम पानी डालेंगे, किनारे किनारे डालना है चीज़, मतलब पिज्ज़ा के ऊपर नहीं डालना है। पिज़्ज़ा बनाना बहुत आसान है, ब्रेड पिज़्ज़ा बनाओ तो ज़्यादा आसान है। अगर आप लोग वाला पिज़्ज़ा बनाना चाहोगे तो उसका पेस्ट बनाओ, फिर इसमें टॉपिंग करो, तो बहुत टाइम लगता है। ब्रेड पिज़्ज़ा इज़ इजी। मुझे बन पिज़्ज़ा भी बनाना आता है, बना लेती हूँ मैं। पहले मुझे लगता था पिज़्ज़ा बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत टाइम लगता है उसको बनाने में, पर जब मैंने बनाना सीखा सो ईजी, सो ईजी। वैसे मैंने दिल्ली से बनाना सीखा है। चीज़ मेल्ट हो रही है धीरे धीरे, मैं और डालूँगी, ऐड करूँगी पानी। अरे माँ दुकान नहीं गई है मेरी माँ, और वो कमरे में है, वो पिज़्ज़ा नहीं खाती हैं, खा लेती हैं पर उनके मन पे डिपेंड करता है। तो मैं दो ही बना रही हूँ, एक मेरा एक मेरे भाई का। आइए हम दिखा, ये देखिए चीज़ मेल्ट हो रही है, आपको दिख रही होगी हल्की फुल्की चीज़ मेल्ट हो रही है, और इसमें हम थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। अब मेरा पिज्जा बनना है, तुम्हें कोई दिक्कत? खाना है अभी? बन जाने दो, सब्र करो, सबर का फल मीठा होता है। ये ठंडा कितना है आपका? नीचे डालो, नीचे, हाँ नीचे, गैस के नीचे। पानी फिर दे, क्यों थोड़ा और डाल देते ना, चीज़ और मेल्ट हो जाएगी। कलेजे को दिला दे, डालो पानी थोड़ा थोड़ा। जब डालना नहीं था तो क्यों हाथ लगाया? जल गया था। और डाल, बस अब ये पानी फेंक दो, गिलास मत फेंकना। कैसे फेंके पानी? सिंक में डालो पागल, गिलास कैसे ऐसे से डाले या ऐसे डाले? तुम जैसे भी डाल सको वैसे डालो। गली माँ कोका कोला पिला दी, ट्रे में निकाल, ट्रे में निकाल रहे बेटा, बर्तन ना झूठे करो। अरे कोई बात नहीं यार, नहीं, बिना मतलब के बर्तन यूज नहीं करने चाहिए, मुझे धुलने पड़ते हैं। वाओ चीज़ मेल्ट हो चुकी है और अब पिज़्ज़ा मेरा रेडी है, मैं थोड़ी देर और रखूँगी फिर इसको मैं खाऊंगी। मैं बाल कटा रहा था, चलो फिर मेकअप वीडियो बना और
ये रहा मेरा पिज्जा, गिरा गया दिखाने के चक्कर में, गिरेगा नहीं, गिरा वाला तुम ही खाओगे फिर। इसको क्या है तुम अप्पी? अप्पी चाकू से उठाने की नई टेक्निक। इस टेक्निक में रिक्स है और आप कृपया अपने बड़ों के साथ ही इसको रिक्स हाँ हाँ बहुत बहुत बच्चे इसे ना ट्राई करें। इसको कहाँ है किसी में? हाँ यही रखा रहे अंदर इसको। और ओरिगिनो जल्दी डालो और चिली फ्लेक्स ज़्यादा खुला। और भैया मुझे ओरिगिनो तो बहुत ही पसंद है। भैया को चिली फ्लेक्स बहुत पसंद है ना भैया? नहीं मेरे को कुछ नहीं पसंद, मेरे को खाने में मज़ा आता है बस भाई। और भैया ओरिगिनो हम डालते, मुझे ओरिगिनो बहुत पसंद है तो मैं ओरिगिनो बहुत सारा डालती हूँ। बस करो। और हम आपको अपने पिज्जा का व्यू दिखा देते हैं। देखो मेरा पिज्जे का व्यू। बैक कैमरे से हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि मेरा बैक कैमरा बहुत ही खराब हो चुका है ना भाई। हमारे फ़ोन, काश कोई मेरी दीदी मुझे फ़ोन दिला दे अच्छा वाला। दिसंबर देखो, दिसंबर तक बोला है अच्छा फ़ोन दिला देंगे। तब तक मैं अपना पिज़्ज़ा इंजॉय करती हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। और मेरा व्यू देखिए।